तो प्यारे भाइयों आगे है अपना एक्सरसाइज 2.2 बहुपद पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का फुल सॉल्यूशन एक वीडियो में। तो प्यारे भाइयों आप लोगों के ही प्यारे कमेंट पे हमने वीडियो तैयार किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए प्यारे भाइयों क्वेश्चन पहला है, इसमें कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली स्थानों को भरने वाला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है कि किसी वास्तविक संख्या ए के लिए यदि पी ऑफ ए बराबर जीरो हो तो बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्य क्या होगा। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है क्या, किसी वास्तविक संख्या a के लिए p ऑफ a बराबर जीरो हो तो बहुपद p ऑफ x का शून्य क्या होगा। जैसे मान लीजिए बहुपद p ऑफ x अगर x माइनस चार है, कोई भी बहुपद हमने मान लिया, अगर इसमें हम x की जगह पर अगर हमने चार रखा तो मान कितना आएगा, चार माइनस चार हो जाएगा, मतलब जीरो आएगा। मतलब x की जगह पर अगर चार रखने पर मान जीरो आ गया तो इसका शून्य कितना होगा, तो यही चार ही होगा ना। मतलब x का जो चार वैल्यू है, चार रखने पर x का मतलब बहुपद का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे इसी यही बात कह रहा है कि किसी बहुपद p ऑफ x में a मतलब p ऑफ a बराबर जीरो हो तो उस बहुपद का शून्य क्या होगा, तो उस बहुपद का शून्य क्या होगा, a ही होगा ना। ठीक है, इस तरीके से समझना है क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन में कहता है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों की संख्या होती है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मतलब द्विघात बहुपद है, तो ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, दो होती है, मैक्सिमम दो हो सकती है, कभी कभी अपवाद में एक और कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन शून्यकों की संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम दो। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर के शून्यक डैश और डैश हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इसके शून्यक डैश और डैश, मतलब दो शून्य किसका ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हम जीरो के बराबर करेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। चार इकाई चार होता है ना, हाँ, तो चार और एक में तोड़ना है, माइनस फोर एक्स और प्लस एक्स इस तरीके से तोड़ देंगे। ठीक है, चार है चूँकि इसका अचर पद चार है और एक्स स्क्वायर का गुना एक है, तो चार गए चार, और चार का गुणनखंड कितना होगा, एक गुना चार, तो एक और चार में हमने इसको तोड़ दिया। अब इस दोनों में से कॉमन लेने वाली बात है, तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आएगा तो बचेगा एक्स माइनस फोर, यहाँ से प्लस वन कॉमन लेने पर बचेगा एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो गुणनखंड क्या आ गया, एक्स माइनस चार इंटू एक्स प्लस एक आया। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, यहाँ इसको जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस एक हो जाए, तो दो शून्य कितना होगा, चार और माइनस एक होगा, चार हो जाएगा पहला बॉक्स में और दूसरे में माइनस एक हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो द्विघात बहुपद में हमने बताया था ना, द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो ये सभी चीज़ें हमने आपको थ्योरी वाले वीडियो में बता दी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा क्वेश्चन में क्या कहता है कि बहुपद थ्री एक्स स्क्वायर, बहुपद दे दिया है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस फाइव एक्स प्लस टू, अब इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो यहाँ देखिएगा ए का मान कितना है, ए है तीन, बी कितना है, तो बी है एक्स का गुना वाला माइनस पाँच। ठीक है, और सी कितना है, तो सी है दो, तो तीनों वैल्यू हमको पता है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये कितने के बराबर है, माइनस बी बट्टा ए के बराबर है। ठीक है, तो माइनस बी, तो माइनस है तो माइनस रहने देंगे, और बी का मान कितना है, माइनस पाँच है ना, तो माइनस पाँच, और बट्टा ए कितना है, तो तीन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाँच बट्टा तीन हो जाएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या आया, योगफल कितना होगा, योगफल बराबर पाँच बट्टा तीन, डैश में योगफल की जगह पर पाँच बट्टा तीन होगा, और गुणनफल निकालना है तो अल्फा बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए होता है, तो सी का मान है दो और ए का मान है तीन, तो दो बट्टा तीन हो जाएगा। तो गुणनफल की जगह पर क्या हो जाएगा, गुणनफल के जगह पर क्या होगा, दो बट्टा तीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा में क्या कहता है,
यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी का गुणन बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड रूप क्या होगा, गुणनखंड रूप क्या होगा ये पूछ रहा है। और दो शून्य किसका दे दिया है, तो प्यारे भाइयों दो शून्य का अगर दिया रहता है तो उसका गुणनखंड रूप तो हमने आपको बताया था ना कि अगर दो शून्य का अल्फा और बीटा दे दिया है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। लेकिन कोई बहुपद में हो सकता है कि कोई भी कांस्टेंट, कोई भी अंक कॉमन आ सकता है। जैसे मान लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री है, तो इसमें देखिएगा तीन कॉमन आ रहा है ना, तो बच क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बच रहा है। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड दो पदों में टूटेगा, और ये कोई कॉमन अंक आ गया ना, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन अंक हम मान लेते हैं ए, ठीक है। तो यही होगा किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड रूप, ठीक है। तो a इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। उम्मीद करते हैं ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सभी प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। ये रहा इसका आंसर, और इधर हमने सॉल्व करके बताया कि किस तरीके से होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शून्यक और गुणांकों के संबंध पर आधारित प्रश्न है, तो आइए उनको भी देखें। प्यारे भाइयों दूसरा का पहला क्वेश्चन है 4y² + 4y, इसमें कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। पहले तो शून्यक ज्ञात करना है और उसके शून्यकों के योगफल और जो गुणनफल है इसके बीच सत्यता की जांच करना है, इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका शून्यक ज्ञात करते हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए प्यारे भाइयों क्या करना होता है, बहुपद को जीरो के बराबर करना होता है। तो 4y² + 4y = क्या हो जाएंगे, जीरो के, ठीक है। देखिए दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 4y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा y और प्लस में 1 = 0। देखिए दो गुणनखंड आया, एक आया 4y, एक आया y प्लस 1। अब दोनों को क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। एक बार 4y को जीरो के बराबर करेंगे और एक बार y प्लस 1 को जीरो के बराबर करेंगे, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएंगे, 0, ठीक है। अब शून्यक के योगफल और गुणनफल के सत्यता की जांच करनी है संबंध का, तो यहाँ से हमको a और b और c का मान मालूम करना पड़ेगा। a मतलब y स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4, ठीक है। b के लिए y का गुणांक कितना है, तो ये भी है 4, और c नहीं कुछ है तो ये हो जाएंगे 0। इस बहुपद को आप 4y² + 4y + 0 इस तरीके से तो लिख सकते हैं। तो अचर पद कितना है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल देखिएगा, दो शून्यक निकला है ना, 0 और -1, तो क्या हो जाएगा, 0 + -1, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1, और इसको हमको लाना है -b/a के बराबर। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, 4 से ऊपर गुणा कर देते हैं 4 से नीचे गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे कितना, -4/4, ठीक है। -b/a होता है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -(4)/4। तो 4 कितना है, b के बराबर है, तो यहाँ से देखिएगा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस तो है ही, और ये 4 किसके बराबर है, b के बराबर, और नीचे में जो 4 है ये किसके बराबर है, a के बराबर। तो -b/a हो गया, तो ये तो योगफल प्रूव हो गया। अब करेंगे ज्ञात शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 0 × -1 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। और लेकिन हमको क्या लाना है, c/a लाना है ना, तो चलिए ऊपर भी हम 4 से गुना करते हैं और नीचे भी 4 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0/4 किसके बराबर हो गया, c a के। ऊपर वाला c कितना है, 0 है, और a कितना है, 4 है, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों सेम गुना किया हमने, चाहे तो यहाँ से कैंसिल भी कर देंगे तो बात तो उतना ही हो जाएगा, लेकिन हमको c/a लाना है, इसीलिए हमने 4 से ऊपर भी गुना किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किए और नीचे भी मल्टीप्लाई किए। इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अब दूसरा का, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुपद है x² - 6x + 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर करेंगे, -6x + 5 इसको हम करेंगे 0 के बराबर, और देखेंगे अचर पद और x² का गुणांक कितना है, 5 और 1 है, तो 5 इकाई 5 होता है, 5 का गुणनखंड 5 1 होगा, तो उसी आधार पर हम तोड़ देंगे। तो इसको हम -5x और -x 5 और 1 में तोड़ दिए और +5 हो जाएंगे बराबर 0। अब यहाँ से 2 का जोड़ा लगाएंगे, यहाँ से 2 का जोड़ा, गुणनखंड तो आप समझ ही गए हैं, x - 5 - 1 कॉमन लेंगे तो x - 5 = 0, ठीक है। अब दोनों बॉक्स वाले को एक साथ x - 5 और बॉक्स के बाहर वाले को एक साथ बराबर 0। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा,
एक आ जाएगा, क्योंकि दोनों को हम क्या करेंगे बारी बारी जीरो के बराबर करेंगे। ठीक है, तो ए का मान हमको क्या पता है, वन, बी का मान पता है माइनस छः और सी का मान पता है पाँच। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, अब चलिए दोनों को जोड़ते हैं, दोनों शून्यक को जोड़ते हैं, तो पाँच प्लस एक कितना आ गया, छः आ गया। ठीक है, हमको क्या लाना है, माइनस बी बट्टा ए के बराबर लाना है, तो माइनस इंटू माइनस छः लिख सकते हैं और बट्टा एक लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ छः था, हमको क्या लाना है माइनस बी बट्टा ए के रूप में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बात बराबर। तो यहाँ से देखिए किसके बराबर आ गया, माइनस तो है ही पहले, और ये माइनस छः किसके बराबर है, बी के बराबर है, बीच वाला माइनस छः जो है ये बी के बराबर है और एक जो है ए के बराबर है, तो बी बट्टा ए हो गया, योगफल प्रूव्ड। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल भी हम प्रूव करेंगे। शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या करेंगे, दोनों शून्यकों को गुना कर देंगे, पाँच और एक दो शून्यक निकाला है, तो पाँच गुना एक कितना आ गया, पाँच। ठीक है, पाँच बट्टा एक लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पाँच किसके बराबर है, सी के, और एक किसके बराबर है, ए के। तो शून्यकों का योगफल माइनस बी बट्टा ए होता है, प्रूव हो गया। शून्यकों का गुणनफल सी बट्टा ए होता है, इसके बराबर प्रूव हो गया, तो प्रूव्ड। चलिए अब इसके बाद देखना है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखिए प्यारा सा क्वेश्चन अपना है वाई स्क्वायर माइनस थ्री, इसका शून्यक निकालना है पहले, तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस थ्री को जीरो के बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में रूट थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर जीरो हो गया। तो यहाँ से गुणनखंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई प्लस रूट थ्री और इंटू में वाई माइनस रूट थ्री बराबर किसके आ गया, जीरो के। अब दोनों को हम करेंगे जीरो के बराबर, तो y प्लस रूट थ्री बराबर जीरो होगा और एक बार y माइनस रूट थ्री बराबर जीरो होगा, तो यहाँ से y का मान प्लस में रूट थ्री आ गया, यहाँ से y का मान माइनस में रूट थ्री आ गया, दो शून्य के निकल गए। अब चलिए यहाँ देखते हैं a b c का वैल्यू कितना है, a का मान है एक, ठीक है, b का मान कुछ नहीं है जीरो है, ठीक है, और c का मान अचर पद कितना है, माइनस तीन है। b के जगह पर कुछ नहीं है मतलब जीरो है, यहाँ देखिएगा y का गुणांक कुछ नहीं है, y वाला पद ही नहीं है, तो b का मान क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ से हम लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस, सॉरी रूट है ना, माइनस रूट थ्री और प्लस रूट थ्री, दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमको लाना क्या है, तो जीरो को हम जीरो बट्टा एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस बी बट्टा ए के बराबर हो गया, क्योंकि बी तो जीरो ही है, माइनस रहे प्लस रहे, और ए का मान एक है, यहाँ से मिल गया। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, रूट थ्री गुना में माइनस रूट थ्री, रूट थ्री और माइनस रूट थ्री को गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस तो होगा ही, और रूट थ्री गुना होकर हो जाएगा थ्री, नीचे में कुछ नहीं है बट्टा एक दे सकते हैं। माइनस तीन क्या है, अचर पद है मतलब सी है, और एक क्या है, एक वाई स्क्वायर का गुणांक है मतलब ए है, तो यही चीज़ था प्रूव करना, तीसरा भी हो गया है प्रूव। आइए इसी तरीके से देखेंगे अपने चौथे क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी सेम जस्ट वैसा ही है, बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, क्या करेंगे, पहले जीरो के बराबर करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर हो जाएगा जीरो के। गुणनखंड तोड़ेंगे तीन और दो का, तो तीन दूनी छः होगा, छः का गुणनखंड कितना होता है, दो गुने तीन गुना एक होता है, तो एक या छः में हम ला सकते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा तीन दूनी छः होता है ना, छः होता है, तो छः का गुणनखंड दो तीन और तीन से लगाएंगे तो एक, तो तीन दूनी छः हो गया, छः और एक पाँच ला सकते हैं, छः में से एक घटा करके, तो इसी तरीके से करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x, नहीं नहीं 6 एक नहीं लाना है, चूँकि एक प्लस में हो जाएगा एक माइनस में हो जाएगा, यहाँ देखिए तीन और दो है, तीन दोनों को, तीन और दो को जोड़ करके पाँच लाया जा सकता है ना, तो प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा बराबर जीरो, ये दोनों का जोड़ा मिला, ये दोनों का जोड़ा मिला, कॉमन लेने वाली बात है, कॉमन क्या आएगा इसमें से, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा एक्स, यहाँ से बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 बचेगा बराबर जीरो के। ठीक है, बॉक्स वाले को एक बार लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, बॉक्स के बाहर वाले को एक बार लिख लेते हैं, x प्लस 1 हो जाएगा बराबर जीरो, दोनों को जीरो के बराबर करेंगे तो 2x प्लस 3 बराबर जीरो हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1, और यहाँ से 2x बराबर क्या होता है, माइनस 3, ये तीन उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा,
तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस तीन बटे दो, दो शून्य का आया, एक में एक x का मान माइनस एक है और एक में x का मान माइनस तीन बटे दो है, एक में x का मान माइनस तीन बटे दो और एक में एक माइनस वन। अब क्या करेंगे, शून्यकों के गुणनफल और योगफल का जो है संबंध में सत्यता का जांच करेंगे। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे पहले, शून्यकों का योगफल दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस तीन बट्टा दो में जोड़ेंगे कितना माइनस वन, तो दोनों क्या होगा घट ही जाएगा ना, तो माइनस तीन बट्टा दो हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, वन के नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं बट्टा एक है, चलिए एलसीएम लेंगे तो दो होगा, दो एक है दो, तो माइनस तीन का माइनस तीन ही रहेगा, माइनस एक से दो मरतबे लग रहा है तो ऊपर में भी एक दूना दो हो जाएगा, कितना हो गया माइनस पाँच बट्टा दो। ध्यान दीजिएगा इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस पाँच बट्टा दो को माइनस इंटू पाँच बट्टा दो लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो b के जगह पर क्या हो गया पाँच हो गया, मतलब माइनस बी और दो कितना है एक, एक्स स्क्वायर का गुणांक a। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल दोनों को गुना करते हैं तो कितना होता है, तो माइनस तीन बट्टा दो है, माइनस तीन बट्टा दो और गुना में माइनस एक, माइनस एक से गुना करेंगे तो सीधा प्लस हो जाएगा तीन बट्टा दो, तीन क्या है अचर पद है मतलब c है c, और दो क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है मतलब a, तो c बट्टा a, यही चीज़ प्रूव करना था, साबित करना था, सिद्ध करना था, दिखाना था। तो दूसरा का सभी क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि उन द्विघात बहुपदों को लेके जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दो दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा वन दे दिया है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, उसका गुणनखंड हमने बताया था क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या होता है अल्फा बीटा, तो इस तरीके से वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस है तो माइनस दे दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दो है तो दो एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा बीटा का मान एक है तो एक हो जाएगा, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सभी प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है रूट थ्री दे दिया, ठीक है, और अल्फा बीटा का मान क्या दे दिया एक बट्टा दो दे दिया, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएंगे, द्विघात बहुपद बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है रूट थ्री है तो रूट थ्री एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है एक बट्टा दो है, लेकिन थ्योरी वाला जो वीडियो है बहुपद का फुल कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है उसमें हमने बताया है कि इसको बट्टा दो नहीं रहने देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो दो हो जाएगा, यहाँ नीचे में कुछ नहीं है एक है तो ये हो जाएंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ भी नीचे में कुछ नहीं है तो दो से इसमें गुना हो जाएगा माइनस दो रूट थ्री, और यहाँ नीचे में दो है तो यहाँ प्लस वन ही रह जाएगा, और ये नीचे वाला दो क्या हो जाएंगे इधर बराबर जीरो होता है तो इसके इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, अपना द्विघात बहुपद क्या आ गया ये आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए तीसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दो मान दे दिया है, योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल हो गया अल्फा बीटा, तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ है जीरो और गुणनफल दिया हुआ है रूट तीन। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो जस्ट वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर तो रह ही जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान जीरो है तो जीरो एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा कितना है रूट तीन है। ठीक है, तो इसको एक राउंड और सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा तो ख़त्म और प्लस रूट थ्री हो जाएगा, ये हो गया अपना बहुपद। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इसी तरीके से, चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान रूट अंडर सेवन और अल्फा बीटा का मान कितना है माइनस दो बट्टे तीन है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएंगे, तो द्विघात बहुपद वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है रूट सेवन है तो रूट सेवन एक्स हो जाएगा, माइनस है माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का मान है दो बट्टा माइनस दो बट्टा तीन तो यहाँ से हो जाएगा माइनस दो बट्टा तीन, लेकिन बट्टा वाला है ना तो इसको क्या करना है
इधर जीरो है तो नीचे में तीन है एलसीएम, हम तीन ले लिया एलसीएम यहाँ पर, इससे गुना हो जाएगा 3x² - 3√7x हो जाएगा और माइनस में 2 रह जाएगा। और ये तीन को आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बराबर में जीरो है, ये इधर भाग में है, इधर जाएगा गुना में, तो जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया अपना द्विघात बहुपद। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं चारों क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, उन द्विघात बहुपदों को लिखे जिनमें शून्यक दिया हुआ है, शून्यक दे दिया है उसमें, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल था, इसमें शून्यक दे दिया था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये। तो देखिए चौथा के पहला में दिया हुआ है कितना है 2 और -6 है, इसका मतलब 2 शून्यक दे दिया है अल्फा और बीटा, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 - 6 हो जाएगा, मतलब -4 आ जाएगा, और अल्फा बीटा मतलब दोनों का गुना करेंगे तो 2 गुना में -6 हो जाएगा, मतलब -12 आएंगे। तो यहाँ से हम द्विघात बहुपद इस तरीके से निकाल सकते हैं ना, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा x² - α + β (x + α β) त्रिघात बहुपद का भी हमने थ्योरी वाले वीडियो में बताया हुआ है पूरे। तो यहाँ से हो जाएगा x² - α + β का मान कितना है -4 है, तो माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -4, ठीक है, ये हो जाएगा x और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है -12, ठीक है। अब चिन्ह को देख लेते हैं क्या, तो x² हो जाएगा -(-+)4x हो जाएगा +(-)-12 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आइए यहाँ पे देखते हैं, शून्यक कितना कितना दे दिया 2/3 और -1/4 दे दिया है, ठीक है। अब इनका बहुपद निकालना है, शून्यक दे दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 - 1/4, एलसीएम लेने पे 12, 3 × 4 = 12, तो 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, तो 1 + 3 = 3, मतलब 5/12 आ गया। और अल्फा बीटा मतलब दोनों का गुना करेंगे तो 2/3 - -1/4 हो जाएगा, मतलब -2/12 आ रहा है, दोनों के बट्टा में 12 आ रहा है। अब यहाँ से हम द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² - α + β (x + α β) बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको ये सब फॉर्मूला याद ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x² ये प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 5/12 x और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 2/12 -2/12, डायरेक्ट से -2/12 लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए बट्टा लिखिएगा, हम तो मार्कर से लिख रहे हैं तो मिटा देते हैं, डायरेक्ट आप देख लीजिएगा कि जिसके नीचे में 12 है तो छोड़ देंगे उसको, और जिसके नीचे में नहीं है उसमें 12 से गुना कर देंगे, तो 12x² हो जाएगा, इससे वैसे ही रह जाएगा -5x - 2, ये हो गया अपना दूसरा का आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है, 4 का 3 है -5 और 4, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, -5 + 4 हो जाएगा, मतलब -1 आ गया, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा -5 × 4, मतलब -20 आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद कितना निकलेगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएंगे x² - α + β (x + α β) हम मान रखते हैं तो x² हो जाएगा, और माइनस है यहाँ पे, यार यहाँ भी माइनस है, -(-1)x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा कितना है -20 है। चिन्ह आप बार बार सॉल्व करते करते समझ लेंगे उसे, x² ये -(-)+x हो जाएगा और -20 हो जाएगा, ये हो गया तीसरा का। इसी तरीके से चौथा का भी होगा, चौथा में क्या है 2/5 और 4 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2/5 + 4, 20 × 2 = 22/5 होगा, ठीक है, 2/5 और 4 है ना, 20 × 5 = 20 × 2 = 22/5 हो जाएगा, और अल्फा बीटा का मान ये कितना गुना करके देख लेते हैं ना, 2/5 × 4 हो जाएगा, मतलब 8/5 होगा। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद x² - α + β, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 22/5x हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा होता है +8/5 हो जाएगा, ठीक है, दोनों के नीचे 5 है तो चलिए इस दोनों को छोड़ देंगे ऐसे ही, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x² - 22x + 8, ये हो गया अपना द्विघात बहुपद। उम्मीद करते हैं कि ये चौथा का भी सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो आइए देखते हैं आप पांचवा। देखिए पहले भाई बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, नीचे दिए गए बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें, शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a, यही ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं ना, योगफल क्या होता है -b
बट्टा ए होता है, ठीक है। तो माइनस और बी का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 7। तो इसको माइनस माइनस कैंसिल करके कितना आ जाएगा 5/7, ये हो गया योगफल। इसी तरीके से गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है C/A। तो C कितना है 4 और A कितना है 7, कैंसिल करके कितना आ जाएगा 4/7। तो योगफल आ गया 5/7, गुणनफल आ गया 4/7। इसी तरीके से इसका भी होगा योगफल, क्या होता है योगफल B/A, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा 8/A का मान कितना है 2, कैंसिल करने पर 2 × 8, योगफल आ गया 4, ठीक है। और गुणनफल क्या आ जाएगा, गुणनफल बराबर C/A होता है ना, तो C का मान कितना है 2 और A का मान भी कितना है 2, कैंसिल करने पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा बहुपद भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है बहुपद, 3x² - 7x + 5 है। तो योगफल क्या हो जाएगा, योगफल क्या हो जाएगा -B/A, ध्यान दीजिएगा माइनस और b कितना है 7 है, तो 7। a का मान कितना है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 7/3, ये हो गया योगफल। अब निकालेंगे गुणनफल, गुणनफल क्या होता है C/A, c का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 3, तो ये हो गया योगफल और गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 5 का तीनों क्वेश्चन ये रहा, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब देखते हैं छठा, देखिए छठा क्वेश्चन में कहता है कि सिद्ध करें 3 एवं -3/4 जो है बहुपद 4x² - 9x - 9 का 0 है, ये सिद्ध करना है। तो 2 0 भी दे दिया, बहुपद भी दे दिया, हमको साबित करना है कि ये इसका 0 है। तो चलिए इस बहुपद में ए बी सी का मान क्या होगा, ए का मान हो गया 4, बी का मान क्या हो जाएगा 9 और सी का मान कितना हो जाएगा ये भी 9, ठीक है। तो नोट कर लिया हमने, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा 3 और प्लस में ये भी जोड़ देंगे, तो -3/4 है तो जुड़ जाएगा दोनों आपस में, कितना हो जाएगा 4 × 12 - 3 हो जाएगा, मतलब 9/4 आ जाएगा, ठीक है। और 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं -(-9), इस तरीके से लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस है बार में तो माइनस, और ये बीच वाला -9 किसके बराबर है, बी के बराबर है, और 4 जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो शून्यकों का योगफल -B/A आ गया, यहाँ तक तो साबित हो गया। तो चलिए अब हम गुणनफल भी साबित कर लेते हैं, गुणनफल भी साबित कर लेते हैं, चूँकि एक को साबित किए हैं तो हो सकता है कहीं गलत भी हो, तो दूसरा भी साबित करके देख लेते हैं। तो दोनों शून्य को गुणा करेंगे, 3 को गुना करेंगे -3/4 से, तो कितना हो जाएगा -9/4। -9 देखिएगा यहाँ से C है और 4 क्या है, A के बराबर है, तो यहाँ से ये चीज़ हो गया पूर्व। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल से आप किसी भी बहुपद के शून्यकों में संबंध को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा अपना प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 7वां क्वेश्चन भी जस्ट सेम है, ठीक है, जस्ट सेम है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को भी, तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, चलते हैं इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 7वां क्वेश्चन भी जस्ट सेम ऐसा ही है, 0 दे दिया, 2 0 दो बहुपद, मतलब एक बहुपद दे दिया। अब कह रहा है कि साबित करिए कि ये जो है इसका 0 है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, अल्फा बराबर 1 मान लिए और बीटा बराबर 3 मान लिए, ठीक है। बहुपद P(x) बराबर क्या दिए हुआ है 2x² - 8x + 6। इसमें देखिएगा a बराबर 2 है, b बराबर कितना है 8 है, c बराबर कितना है 6 है, ठीक है, ए बी सी मालूम चल गया यहाँ से। अब देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे शून्य को, तो 1 + 3 कितना होगा 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं, लेकिन ये b नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं 2 से ऊपर भी गुना करते हैं, 2 से नीचे भी गुना करते हैं, तो क्या आ जाएगा 8/2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है 8 है ना, तो इसको हम माइनस लिख लेते हैं और बीच में भी 8 लिख लेते हैं 2, तो माइनस में बी आ गया ना, यहाँ से हो जाएगा -B/A, क्योंकि बाहर वाला माइनस तो माइनस है ही और ये बीच वाला भी 8 है, ये किसके बराबर है बी के बराबर है, तो यहाँ से -B/A हो गया। अब यहाँ से शून्यकों का गुणनफल निकल जाएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा 1 × 3, मतलब 3 हुआ 1 लिख सकते हैं, इसको भी
सी के बराबर लाना है तो चलिए दो से ऊपर भी गुना किया, दो से नीचे भी गुना किया, तो छः बट्टा दो हो गया, सी बट्टा ए के बराबर है। सी छः है, ए दो है, तो यही चीज़ था प्रूव करना, शून्यक है यही दोनों, ये प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, सिद्ध करें कि नीचे दिए गए बहुपद के कोई शून्यक नहीं है। सिद्ध करना है कि नीचे दिए गए जो बहुपद हैं तीन गो, इसका कोई शून्यक नहीं है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शून्यक है कि नहीं है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 12 है, शून्यक है कि नहीं है ये चेक करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका हम d निकालेंगे। तो a का मान 1 है, b का मान चलिए हम लिख ही लेते हैं, a बराबर 1 है इस बहुपद में, b बराबर माइनस 6 है इस बहुपद में, और c बराबर 12 है इस बहुपद में। तो यहाँ से हम d बराबर निकाल सकते हैं, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b स्क्वायर करेंगे मतलब माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुना a का मान 1 है, c का मान 12 है, तो 6 कितना हो जाएगा 36, और माइनस 12 चौक 48 हो जाएगा, तो 36 में से 48 घटेंगे तो माइनस 12, जो कि क्या है जीरो से छोटा है। तो बताए थे ना थ्योरी वाले वीडियो में, अगर किसी द्विघात बहुपद का डी निकालेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो अगर जीरो से छोटा आ गया तो बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा, जीरो के बराबर आ गया तो एक शून्यक होगा, और जीरो से बड़ा आएगा तब दो शून्यक होगा। तो यहाँ जीरो से छोटा हो गया, अतः कोई शून्यक नहीं है, इस तरीके से लिख लेंगे, अतः कोई शून्यक नहीं, पहला तो हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन में भी करना है, आठवां का दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 25x² + 20x + 7। इसमें देखिएगा a बराबर कितना होगा 25, b बराबर कितना होगा 20, c बराबर 7। तो यहाँ से d निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर करेंगे मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुना a का मान कितना है 25, और c का मान कितना है 7, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 25 चौका 127 हो जाएगा, 400 में से 700 गया तो माइनस 300, जो कि छोटा है जीरो से, अर्थात इसका भी कोई शून्यक नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर 2, c बराबर 3, तो d का मान निकालना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो b का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने 1 गुना 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12, मतलब ये आ गया माइनस 8, ये भी 0 से छोटा, अतः कोई शून्यक नहीं। किसी भी बहुपद का मान अगर मतलब d का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता तब कोई शून्यक होता, अगर 0 के बराबर भी आता तब भी कोई शून्यक होता, लेकिन 0 के बराबर नहीं, 0 के छोटा आ रहा है, तीनों में d का मान 0 से छोटा आया, इसीलिए इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा, साबित हो गया। तो चलिए अब देखते हैं नौवां क्वेश्चन। भाइयों देखिए क्वेश्चन में कहता है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x - 2 के शून्यक हो, तो उस द्विघात बहुपद को लिखे जिनके शून्यक 1/2α + β तथा 1/α + 2β हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए सबसे पहले तो हम ज्ञात कर लेते हैं इसका कि इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल कितना है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए होता है ना, तो माइनस, और बी का मान क्या है माइनस 3 है, और बट्टा ए कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ से एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 3, ठीक है। तो इसको हम फ्रेश लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, ठीक है। और देखिएगा अल्फा गुना बीटा, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा सी बट्टा ए, मतलब माइनस 2/1, मतलब अल्फा बीटा का मान क्या आ गया माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है, दो शून्यक जिसके शून्यक 1/2α दिया हुआ है, मतलब ये योगफल पहले हम निकाल करके चेक कर लेते हैं, दो शून्यक क्या दिया हुआ है, तो दोनों शून्यक को जोड़ देते हैं, 1/2α + β है एगो शून्यक, ठीक है, और दूसरा शून्य क्या है, तो 1/α + 2β, ठीक है। तो योगफल निकाल करके देखते हैं, तो योगफल में क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम दोनों अलग अलग है तो दोनों का गुना हो जाएगा, 2α + β और इनटू में 2β हो जाएगा। अब ऊपर वाले का देखेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो ये पद कटेगा, बचेगा ये, एक से गुना करेंगे
तो अल्फा प्लस टू बीटा हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला यहाँ पे उतर जाएगा, टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नीचे वाले को गुना करते हैं। टू अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो टू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, टू अल्फा को टू बीटा से गुना करेंगे तो प्लस फोर अल्फा बीटा हो जाएगा, इस अल्फा इस बीटा को गुना करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और इस बीटा को प्लस टू बीटा से गुना करेंगे तो टू बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने गुना कर दिया। ऊपर में देखिए अल्फा और टू अल्फा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री अल्फा, टू बीटा और बीटा को जोड़ेंगे तो थ्री बीटा। तो ऊपर में हम लिख सकते हैं ना थ्री इंटू अल्फा प्लस बीटा, नीचे में क्या लिख सकते हैं, ये टू अल्फा स्क्वायर है तो टू अल्फा स्क्वायर, यहाँ टू बीटा स्क्वायर है तो प्लस टू बीटा स्क्वायर, बच गया चार अल्फा बीटा और एक अल्फा बीटा, जोड़ देंगे तो पाँच अल्फा बीटा। ये बराबर कहाँ पे दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि मेन बट्टा जहाँ पे होगा ना वहाँ पर बराबर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ से तीन है और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला है, तीन निकला है, तो तीन गुना तीन हो जाएगा और बट्टा, इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दो कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस ये क्या है फाइव अल्फा बीटा है ना, तो पाँच गुना अल्फा बीटा का मान कितना है, माइनस दो है, तो माइनस दो से हो जाएगा गुना। अब देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस। तो ये क्या हो गए, तीन तिया नौ और बट्टा में टू और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहीं पर भी देखेगा अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है ना। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए तो ये टू ए बी क्या हो जाएगा, इधर जाके घट जाएगा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा, किसके बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, और ये तो माइनस में 10 हो ही जाएगा तो इसको तो रहने ही देते हैं। तो क्या हो गए 9 बट्टा 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 अल्फा बीटा है तो 2 गुना अल्फा बीटा का मान कितना है माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 2। ठीक है, और ये तो माइनस 10 है ही, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 9 बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा, तीन तिया नौ हो जाएगा, और माइनस दो और माइनस दो और माइनस दो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो दूनी चार और माइनस में क्या हो जाएंगे 10। ठीक है, तो 9 बट्टा 9 चार 13 दूनी 26 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा 9 बट्टा 16, क्या आ गया ये योगफल, योगफल आ गया 9 बट्टा 16, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 9 बट्टा 16। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणनफल भी निकालेंगे, गुणनफल क्या हो जाएगा, तो यही दो चीज़ दिया हुआ था, एक बट्टा टू अल्फा प्लस बीटा, और गुना करेंगे एक बट्टा अल्फा प्लस टू बीटा से, गुना करेंगे तो क्या होगा, सेम प्रोसेस, ऊपर में कुछ नहीं होगा एक ही होगा, और नीचे में यही चीज़ हो जाएगा ना, गुना करके क्या हो जाएगा, टू अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा प्लस टू बीटा। अब देखिए यहाँ आपने सॉल्व किया इसको, ये पद लाए, फिर ये लाए, फिर ये लाए, फिर ये लाए, लाते 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 नीचे में क्या आया 16 आया, मतलब ये भी आने वाला है 16। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का योगफल आ गया इतना और गुणनफल आ गया इतना। ठीक है, मतलब क्या आ गया, मतलब क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 9 बट्टा 16 और अल्फा बीटा बराबर आ गया 1 बट्टा 16। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बट्टा 16 एक्स और क्या हो जाएगा प्लस 1 बट्टा 16। हमने द्विघात बहुपद के लिए बताया था ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 1, तो यही होगा अपना वो द्विघात बहुपद। ठीक है, तो देखते हैं आंसर मैच किया या नहीं किया, आंसर तो मैच करना ही चाहिए, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 1 एकदम करेक्ट आंसर है, ये द्विघात बहुपद दे दिया है। अब कह रहा है कि इसका शून्यक,
तो यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इसका शून्यक है, ये इसका शून्यक है अल्फा बीटा, तो वो बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक ये दे दिया था, एक बट्टा टू अल्फा प्लस बीटा और एक बट्टा अल्फा प्लस टू बीटा। चलिए इसका क्वेश्चन का काम हो गया खत्म, अब देखते हैं इसका दसवां। अरे भाइयों देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इस क्वेश्चन में इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों का योगफल और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो लास्ट में भी यही क्वेश्चन दे दिया। तो देखिएगा यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए बी है, बी क्या हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा, चूँकि ये तो सही रूप है नहीं, यहाँ पर b लेते हैं यहाँ भी b लेते हैं, तो सोचेगा लो के घटा देते हैं कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये संकेत है कि x का गुणांक क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी ये कोई अंक हो सकता है, ठीक है, और c क्या हो जाएगा तो c बराबर माइनस बी सी, ठीक है। अब ये नहीं सोचना है कि c से c कैंसिल कर देना, ये संकेत है देख रहे हैं तो, ठीक है। तो नाउ अब देखते हैं ये बहुपद, इसका शून्यक पहले ज्ञात करते हैं, तो क्या है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर जीरो, बराबर जीरो करेंगे तभी तो हम किसी बहुपद का शून्य ज्ञात कर पाएंगे, बराबर जीरो करेंगे तभी तो हम किसी बहुपद का शून्य ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस ए सी है ना, दोनों को तोड़ के अलग कर लेते हैं गुना करके, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स और माइनस ए सी एक्स और माइनस में बी सी हो जाएगा बराबर जीरो के, तो दोगों का और दोगों का जोड़ा लग गया, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बी एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो बी एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा बी एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा ए एक्स, ए एक्स बचेगा और प्लस यहाँ से बच जाएगा बी, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, इसमें से सी कॉमन आ रहा है, तो माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, ठीक है। अब दोनों बॉक्स में सेम आ गया, तो ए एक्स प्लस बी बॉक्स को एक बार लिख देते हैं और बी एक्स माइनस सी बॉक्स के बाहर वाले को एक बार लिख लेते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे जीरो के बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो और यहाँ से बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो, तो एक्स का जो मान होता है वही किसी बहुपद का शून्यक होता है, तो यहाँ से बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएंगे c बट्टा b, यहाँ से ए एक्स बराबर b उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए, ठीक है। ये जो है ना वैल्यू निकल के आया है, ये b और a ये जो है इसका गुणांक वाला है, ठीक है, तो यहाँ से शून्यक निकल गया ये। अब चलिए हमको क्या करना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल में सत्यता की जाँच करना, तो योगफल निकालते हैं, योगफल क्या हो जाएगा तो माइनस बी बट्टा ए प्लस सी बट्टा बी, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा ए से इसमें भाग लगेगा तो बी, ऊपर में हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और बी से बी कटेगा यहाँ बचेगा ए प्लस ए सी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा और बट्टा नीचे में हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी किसके बराबर है तो बी के बराबर है ना, और ये ए बी जो है किसके बराबर है ए के बराबर है, तो माइनस बी बट्टा ए के बराबर आ गया, शून्यकों का योगफल प्रूफ। अब चलिए यहाँ से हम गुणनफल को प्रूफ करते हैं, गुणनफल दोनों को गुना करेंगे, माइनस बी बट्टा ए को गुना करेंगे किससे तो सी बट्टा बी से, चलिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी सी और नीचे में क्या हो जाएगा ए बी, तो यहाँ देखिएगा माइनस बी सी क्या है सी है तो सी और नीचे वाला ए बी ए के बराबर है, तो शून्यकों का गुणनफल सी बट्टा ए होता है, शून्यकों का योगफल माइनस बी बट्टा ए होता है, यही चीज़ था प्रूव करना, प्रूव हो गया। इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ अपने एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन भी हो गया कंप्लीट। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा, कहीं भी किसी तरह का डाउट होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, वीडियो बनाने के लिए जान दे देंगे। तो चलिए दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की जरूरी है। तो लाइव क्लास स्टार्ट होंगे आपके
इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट जितने जल्दी आप लोग कर देते हैं, फिर लाइव क्लासेस की सुविधा, लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे फ्री में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।